हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास के एक फॉर्म और उसके क्वेश्चन आंसर। इसका नाम है क्लास डिस्कशन। इसे रिसाइट करना है फिर डिस्कस करना है। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड। यहाँ पे टीचर जो है वो जेन नाम की जो एक स्टूडेंट है उससे कह रही है इन द क्लास डिस्कशन। जब भी क्लास में डिस्कशन होता है हम लोग बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड। हार्डली यानी मुश्किल से, सेड ए वर्ड यानी तुमने मुश्किल से कोई शब्द कहा। इसका मतलब जेन नाम की जो ये लड़की है वो क्लास में जब भी डिस्कशन होता है तो कुछ भी नहीं बोलती है। वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। वी ऑल एयर्ड, एयर्ड का मतलब सबके सामने कहना या बोलना। आर ओपिनियंस, हम हमारा ओपिनियन, हमारा जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो सबके सामने रखते हैं। बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। बेयरली का मतलब मुश्किल से, हर्ड का मतलब सुनना, कि तुम्हारी तरफ से तो कोई भी पॉइंट नहीं आता है, तुम तो कुछ भी नहीं बोलती हो जब क्लास में डिस्कशन होता है। ये टीचर के द्वारा जेन को कहा जा रहा है। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। आप तो सेट बैठी रहती हो एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड यानी घूरना, इन साइलेंस शांति से, सराउंडेड बाय द चैटर। चैटर का मतलब सब लोग बातचीत कर रहे हैं, सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, आवाजें सबकी तरफ से आ रही है, लेकिन तुम तो साइलेंटली सबको स्टेयर करती रहती हो, घूरती रहती हो, कुछ भी नहीं बोलती हो। टीचर के द्वारा बार बार ये जेन को कहा जा रहा है। नाउ टेल मी जेन, अब जेन मुझे बताओ। एंड प्लीज बी प्लेन, और सीधा सीधा आपको बताना है। इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मैटर है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या आपके साथ कोई समस्या है। तो यहाँ पे पहले स्टेंजा में देखा कि टीचर जो है वो जैन से कह रही है कि जब भी क्लास में डिस्कशन होता है तो तुम कुछ भी नहीं कहती हो, हम सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन को सबके सामने रखते हैं, तुम्हारी तरफ से कोई भी शब्द नहीं कहा जाता है, तुम बैठी रहती हो, सब लोग क्लास में डिस्कस करते हैं और तुम साइलेंटली उन्हें घूरती रहती हो। अब मुझे जैन तुम साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारे साथ कोई समस्या है, क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जैन ने ऊपर की तरफ देखा और फिर स्पोक, स्पोक यानी बोला, क्या बोलती है देखते हैं। हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज जो थी वो क्लियर थी, एंड लो, लो का मतलब बहुत धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो। जेन कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रादर का मतलब बल्कि, काफी, क्वाइट यू नो, क्वाइट का मतलब शांत, यू नो, आप जानते हो। तो वो कह रही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा शांत रहते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक क्लास है, उसमें डिस्कशन चल रहा है, टीचर जो है वो जेन से कह रही है कि तुम डिस्कशन में भाग नहीं लेती हो, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियन रखते हैं, तुम कुछ नहीं बोलती हो और सब लोग बोल रहे हैं, तुम साइलेंटली उनको स्टेयर घूरती रहती हो, जैन मुझे बताओ तुम्हारे साथ में क्या समस्या है। तब जैन कहती है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो शांत रहते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। ये पोइम जो है वो रचित की गई है गीवेस फिन के द्वारा। इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब है किसी भी टॉपिक पे सारे लोग एक साथ में बातचीत करते हैं। एयर, एयर का मतलब मेक पब्लिक, पब्लिक के सामने अपने व्यू को रखना। बेयरली, ओनली, जस्ट, केवल। स्टेयर, लुक फिक्स्डली विद आईज वाइड ओपन, बड़ी बड़ी आंखें करके किसी को देखना। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में क्या एक्टिविटी चल रही थी। डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में डिस्कशन चल रहा था। हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास के अंदर कौन शांत था। जैन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, जैन जो थी वो क्लास के अंदर बिल्कुल शांत थी। व्हाई वाज सी क्वाइट, वो क्वाइट क्यों थी। पहला ऑप्शन है सी वाज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, उसे डर था अपनी ओपिनियन को रखने में। शी हेटेड द नॉइज, उसे नॉइज पसंद नहीं था। शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसे एक्टिविटी पसंद नहीं थी। शी वाज क्वाइट बाय नेचर, वह अपने नेचर से ही क्वाइट थी, मतलब उसका नेचर ही ऐसा था कि वो शांत रहती थी। और इसका जवाब है फोर, शी वाज क्वाइट बाय नेचर, उसका नेचर ही ऐसा था शांत रहने वाला। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। आपकी क्लास में जब डिस्कशंस होते हैं तो आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट।
करते हो या शांत रहते हो? आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशंस, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट। मैं जब भी मेरी क्लास में डिस्कशन होता है तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ और मुझे चुप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोज देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।